Welcome back, my dear kids. How are you? I am Payal, your computer teacher. Today, we will start our new chapter, chapter number 5 of our computer book by BrainRoot series. The name of our book is Cyber Creators Class 2. Aur hamare chapter ka naam hai Introduction to MS Word 2021. तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न. इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ल्ड 2021. क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, कि हम एक न्यू डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं. सिलेक्टिंग टेक्स्ट इन वर्ड. Changing the font of the text, changing the color of the text, closing a document in Word. कि Word में document को कैसे close किया जाता है. Features of Word processing software, components of Word window, entering text in Word, deleting text in Word, changing the size of the text. Saving a document in Word and in last opening an existing document in Word. Before we begin, शुरू करने से पहले एक एक्टिविटी है आपको करनी है. तो चलिए समझाती हूँ आपको उस एक्टिविटी के बारे में. Draw and color the picture of logo of MS Word 2021 in the space given below. यहाँ पे आपको खाली स्पेस दी हुई है, आपको क्या बनाना है, एमएस वर्ड का लोगो बनाना है. दिस एक्टिविटी यू विल डू बाय योरसेल्फ. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, अब मैं आपको बताऊंगी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में. द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज यूज टू अप्लाई द बेसिक एडिटिंग एंड डिजाइनिंग एंड ऑल्सो हेल्प इन मैनिपुलेटिंग द टेक्स्ट of your pages, where the word processor is a device that provides editing, input, formatting and output of the given text with some additional features. Word processing software kya hai? Ye ek aisa software hai jo kya apply karta hai? Editing or design. Kis mein? Aapke text mein jo pages aapne kya kare hain, banaye hain. और उनमें क्या ऐड करता है, उनमें अगर आपको एडिटिंग करनी है, कुछ चीज़ इनपुट करना है, उसकी फॉर्मेटिंग एंड लास्ट आउटपुट आफ्टर्स एडिंग सम फीचर्स. नाउ फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. सम ऑफ द फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आर, यू कैन टाइप एज वेल एज इंसर्ट पिक्चर इन अ डॉक्यूमेंट. आप डॉक्यूमेंट को टाइप भी कर सकते हैं और उसमें क्या इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर. एडिटिंग फंक्शन सच एज इंसर्टिंग, डिलीटिंग, मूविंग एंड कॉपिंग करेक्टर्स, वर्ड्स और लाइन कैन बी डन विथ केस. इसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को मूव या फिर कॉपी कर सकते हैं. यू कैन हाईलाइट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और लाइन इन बोल्ड, इटैलिक और एंड अंडरलाइन. सपोज आपने कोई वर्ड लिखा है, देखिए यहाँ पे एक वर्ड है, ये कितना उभर के आ रहा है, तो ये क्या है, उन्होंने क्या कर रखा है, इसको बोल्ड कर रखा है. तो आप अपने लिखे हुए वर्ड्स को बोल्ड कर सकते हैं या उसको इटैलिक फॉर्म में कर सकते हैं, और अंडरलाइन का मतलब कि लिखे हुए वर्ड के नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हैं. यू कैन चेंज द फॉन्ट एज वेल एज फॉन्ट कलर ऑफ द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट. जो ये चीज़ें लिखी हुई हैं ये सब क्या है, फॉन्ट है. आप फॉन्ट का साइज देखो, ये बड़ा है और ये छोटा है. आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं और कलर भी. ये हेडिंग रेड कलर से है और ये हेडिंग ब्लैक कलर से है. ऐसी आप अपनी पसंद के कलर से कोई भी हेडिंग या टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं. यू कैन सर्च वर्ड्स और पार्ट ऑफ वर्ड्स एंड रिप्लेस देम विद अदर वर्ड्स. आप कोई भी वर्ड को सर्च कर सकते हैं या फिर वर्ड्स का कोई भी पार्ट सर्च करके उसे इंसर्ट कर सकते हैं.
यू कैन ईजली नंबर्स द पेजेस, जितने भी पेजेस में आपने काम किया है आप उनको नंबर्स कर सकते हैं, गिन सकते हैं कि कितने पेजेस आपने किए हैं। यू कैन पुट मार्जिन्स इन अ पेज, आप पेजेस में मार्जिन भी मतलब लिखने के साइड में भी लाइन छोड़ सकते हैं और करने के बाद भी, जिसे हम मार्जिन कहते हैं। नाउ इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड 2021। एमएस वर्ड इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग। एमएस वर्ड एक क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो किसके लिए यूज होता है, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। टू स्टार्ट एमएस वर्ड 2021 फॉलो दीज स्टेप, तो इसको स्टार्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नाउ क्लिक ऑन ऑल एप्स बटन, उसके बाद आप ऑल एप्स बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए ऑल एप्स बटन यहाँ पर है, आप उसको क्लिक करेंगे। देन क्लिक ऑन द वर्ड ऑप्शन, और उसके बाद आप किस पे क्लिक करेंगे, वर्ड WORD वर्ड ऑप्शन पे। दिस ओपन्स वर्ड 2021 स्टार्ट स्क्रीन। नाउ सिलेक्ट द ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। जैसे ही आप वर्ड को क्लिक करेंगे तो एक क्या आएगा, ब्लैंक स्क्रीन खुलकर आएगी और आपको उसमें क्या चूज करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज करने से क्या होगा, आपका एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। दिस इज द स्क्रीन ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है वो इस तरीके से खुल के आएगा। अब मैं आपको उसके पार्ट्स के बारे में बताऊंगी। सबसे ऊपर है टाइटल बार, सबसे ऊपर क्या होता है, टाइटल बार। टॉप पर और बॉटम पर क्या होता है, स्टेटस बार। देन क्विक एक्सेस टूल बार, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, रूलर जिससे आप पेज का साइज नाप सकते हैं। देन वर्क एरिया, ये जो वाइट ब्लैंक स्पेस है ये वर्क एरिया है जहां पर आप टाइपिंग करते हैं। देन स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार से आप पेज ऊपर नीचे कर सकते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट कॉम्पोनेंट्स ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड विंडो के हम पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। द वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ एमएस वर्ड 2021 विंडो आर एज फॉलो। सबसे ऊपर क्या बताया था मैंने आपको, क्या होता है, टाइटल बार। इट प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द वर्ड विंडो। इट डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट नेम फॉलोड बाय द प्रोग्राम नेम। इसमें क्या आता है, डॉक्यूमेंट का नेम आता है मतलब प्रोग्राम नेम। जैसे मैंने एमएस वर्ड खोला तो एमएस वर्ड लिखा हुआ आएगा। देन क्विक एक्सेस टूल बार, इट इज प्रेजेंट एंड द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ड विंडो। वर्ड विंडो के लेफ्ट कॉर्नर पे आता है ये। इट हैज बटन फॉर कमांड डेट आर यूज फ्रिक्वेंटली। इसमें वो बटन्स होते हैं जिनसे हम कमांड देते हैं फ्रिक्वेंटली, लगातार जब हम एमएस वर्ड में काम करते हैं। बाय डिफॉल्ट इज शो द ऑटो सेव अंडो एंड रिपीट कमांड। रिपीट्स, ऑटो सेव, इस तरीके की कमांड इनमें शो होती है। नेक्स्ट रिबिन, अब मैं आपको बताऊंगी रिबिन क्या होता है। अ रिबिन होल्ड सर्वल टैब्स ऑन इट। रिबिन में बहुत सारे टैब्स होते हैं, कौन कौन से, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प। ये सब टैब्स किस में होते हैं, रिबिन में होते हैं। ईच टैब हैज कमांड डेट आर अरेंज इंटू ग्रुप। इन हर एक टैब में क्या होती है, कमांड होती है जो किस में अरेंज होती है, ग्रुप्स में। यू विल यूज दिस टैब टू परफॉर्म द मोस्ट कॉमन टास्क इन वर्ड। इन सब टास्क का यूज या इन सब कमांड का यूज कॉमन है किस में, वर्ड में। नाउ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, इट इज द स्मॉल आइकन डेट अपीयर इन सम ग्रुप। ये बहुत छोटा आइकन होता है जो बहुत कम ग्रुप्स में देखा जाता है। इफ यू क्लिक ऑन दिस आइकन, जब आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, अ डायलॉग बॉक्स रिलेटेड टू डेट ग्रुप्स ओपन। उस ग्रुप से रिलेटेड एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इट मे कंटेन मैनी ऑप्शन
यू कैन सिलेक्ट एज पर योर चॉइस, बहुत सारे ऑप्शन खुल के आएंगे और आप अपनी पसंद का ऑप्शन उसमें से चूज कर सकते हैं। नाउ वर्क एरिया, वर्क एरिया मतलब जहां पर हम टाइपिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, किसकी, टेक्स्ट की, जो हम लिख रहे हैं। अ कर्सर इज प्रेजेंट इन द वर्क एरिया, एक छोटा सा कर्सर होता है जो कहाँ पाया जाता है या कहाँ दिखता है हमें, वर्क एरिया में। विच शो द पोजिशन एट विच टेक्स्ट अपीयर एंड वेन यू टाइप, ये क्या शो करता है, ये टेक्स्ट की पोजिशन शो करता है कि आप कहाँ पर हैं और क्या चीज़ टाइप कर रहे हैं। देन रूलर, रूलर क्या होता है, द रूलर इज अ मेजरिंग टूल फॉर एडजस्टिंग इंडेंट एंड द वाइड ऑफ मार्जिन फॉर अ डॉक्यूमेंट। रूलर से हम डॉक्यूमेंट के मार्जिन को तय करते हैं या नापते हैं। सपोज एक ये एमएस वर्ड की स्क्रीन है, रूलर है यहाँ पे, तो हमें देखना है कि हमें पूरे में टाइप करना है या फिर हमें स्मॉल पार्ट में, तो वो हम किससे करते हैं, रूलर से। यू कैन ऑल्सो हाइड द रूलर टू क्रिएट मोर स्क्रीन स्पेस, आप रूलर को हाइड भी कर सकते हैं जिससे आपकी स्क्रीन और बड़ी हो जाएगी। कौन सी स्क्रीन, एमएस वर्ड के। देयर आर टू रूलर्स, कितने रूलर्स होते हैं, टू, हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। द हॉरिजॉन्टल रूलर इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो, हॉरिजॉन्टल रूलर कहाँ होता है, टॉप पर होता है। इट यूज टू सेट द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, इससे लेफ्ट और राइट मार्जिन को क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। देन द वर्टिकल रूलर इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो, और वर्टिकल रूलर कहाँ होता है, लेफ्ट साइड पर होता है, किसकी, डॉक्यूमेंट विंडो की। इट इज यूज टू सेट द टॉप एंड बॉटम मार्जिन, इससे टॉप और बॉटम मार्जिन को सिलेक्ट किया जाता है। आफ्टर देन स्क्रॉल्स बार, स्क्रॉल बार अलाउ यू टू मूव द विंडो व्यूइंग एरिया अप डाउन लेफ्ट और राइट। स्क्रॉल बार से हमने जो टेक्स्ट को टाइप किया है या हमने जो भी लिखा है वर्किंग एरिया को, हम क्या कर सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट या राइट। बाय डिफॉल्ट द वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आर शोन, तो स्क्रॉल बार्स भी कौन कौन से होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, जिससे हम देख सकते हैं क्या कर सकते हैं हमारे पेज को, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। द वर्टिकल स्क्रॉल बार इज प्रेजेंट टू द राइट ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो, वर्टिकल स्क्रॉल बार कहाँ पर होते हैं, राइट साइड पर होते हैं डॉक्यूमेंट के। यू कैन ड्रैग द वर्टिकल स्क्रॉल बार अप एंड डाउन टू सी पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट आर करंटली नॉट विजिबल, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल बार से अप और डाउन कर सकते हैं किसको, डॉक्यूमेंट के उन पार्ट्स को जो विजिबल नहीं है। नाउ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार इज प्रेजेंट एट बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो, ये कहाँ होता है, डॉक्यूमेंट विंडो के बॉटम पर। यू कैन ऑल्सो ड्रैग द हॉरिजॉन्टल बार लेफ्ट एंड राइट, इससे हम क्या करते हैं, जो हमारा डॉक्यूमेंट विंडो है उसको ड्रैग करते हैं किस, कहाँ के लिए, लेफ्ट और राइट के लिए। नाउ आई विल टेल यू अबाउट स्टेटस बार, स्टेटस बार क्या होता है, द स्टेटस बार इज लोकेटेड एट बॉटम ऑफ द वर्ड विंडो, स्टेटस बार कहाँ होता है, बॉटम पर होता है, सबसे नीचे किसके, वर्ड विंडो के। इट इंडिकेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट डॉक्यूमेंट, ये करंट डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट पेजेस यू आर ऑन एज वेल एज योर लाइन नंबर ऑन द पेजेस एंड करेक्टर नंबर ऑन द लाइन, ये हमें ये बताता है कि हम कौन से पेज नंबर पर हैं, हम कितने पेज कर चुके हैं या फिर हम कितनी लाइंस कर चुके हैं और कितने वर्ड्स हम टाइप कर चुके हैं।
इट अपीयर एट द बॉटम ऑफ द वर्ड विंडो, ये वर्ड विंडो के बॉटम पे शो करता है, कॉर्नर में लिखा आता है कि कितने पेजेस हो गए और कितने वर्ड्स हो गए। द व्यू बटन एंड द जूम स्लाइडर आर प्रेजेंट ऑन इट्स राइट साइड, इसके राइट साइड पर व्यू बटन होता है और क्या होता है, जूम स्लाइडर होता है। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट किया जाता है। टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट फॉलो दीज स्टेप, एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए भी हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, तो चलिए करते हैं उन स्टेप्स को फॉलो। क्लिक ऑन फाइल टैब, द बैक स्टेज व्यू विल अपीयर। सबसे पहले आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे और क्या होगा, एक बैक स्टेज व्यू ओपन होगा। नाउ सिलेक्ट न्यू ऑप्शन, अब हमें क्या सिलेक्ट करना है, न्यू का ऑप्शन मतलब नया ऑप्शन, नई फाइल। क्लिक ऑन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट, देन वी विल क्लिक ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट मतलब खाली, ब्लैंक मतलब खाली डॉक्यूमेंट जहां पर हम अपना वर्क स्टार्ट कर सकें। अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, और जैसे ही आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे तो क्या खुल के आ जाएगी, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट की विंडो। तो चलिए अब मैं आपको एक हॉट टिप देती हूँ, यू कैन प्रेस द कंट्रोल प्लस एन की टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है तो उसका शॉर्टकट क्या है, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और एन की को एक साथ प्रेस करेंगे तो एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू एंटर टेक्स्ट इन वर्ड, कि वर्ड में हम टेक्स्ट को कैसे एंटर करते हैं या फिर कैसे हम लिखते हैं। द इंसर्शन पॉइंट और कर्सर इज ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन इन योर डॉक्यूमेंट, एक ब्लिंकिंग कर्सर होता है या फिर एक इंसर्शन पॉइंट होता है किसमें, हमारे डॉक्यूमेंट में, जो क्या इंडिकेट्स करता है कि आपको कहाँ पर टेक्स्ट को एंटर करना है अपने पेज पर। जैसे ये कि विंडो खुली हुई है, ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी लाइन आएगी, ब्लिंकिंग लाइन कर्सर, तो उससे हमें पता चलेगा कि हमें यहाँ से लिखना शुरू करना है किसमें, अपने एमएस वर्ड के पेज पर। व्हेन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन, जैसे ही एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होगा, द इंसर्शन पॉइंट इज लोकेटेड इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पेज। देखिए मैंने अभी बताया ना, जैसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होगा तो लेफ्ट कॉर्नर पर क्या होगा, एक कर्सर ब्लिंक होगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ से टाइप करना है। वंस द न्यू डॉक्यूमेंट इज ओपन, जैसे ही एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होता है, यू कैन स्टार्ट टाइपिंग इन द डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट में टाइपिंग स्टार्ट करेंगे बाय यूजिंग द कीबोर्ड। किसकी हेल्प से, कीबोर्ड की हेल्प से, क्योंकि हमें जो भी टाइप करना है उसके लिए हमें क्या चाहिए, कीबोर्ड चाहिए। व्हाइल टाइपिंग डू नॉट प्रेस द एंटर की व्हेन यू रीच एंड द एंड ऑफ द लाइन, जब तक आप टाइपिंग कर रहे हैं आप एंटर की को प्रेस नहीं करेंगे। कीप ऑन टाइपिंग द टेक्स्ट, यू विल फाइंड द कर्सर ऑटोमेटिकली गेट शिफ्टेड टू द नेक्स्ट लाइन। आप टाइपिंग करते जाइए, आप सोचेंगे यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक टाइप कर दिया, कोई बात नहीं, जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो अपने आप कर्सर कहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ टाइप करते जाना है। नेक्स्ट, दिस फीचर ऑफ वर्ड इज कॉल्ड वर्ड रैप, तो इस फीचर को हम क्या कहते हैं, वर्ड रैप, जिससे क्या होता है, कर्सर अपने आप ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन में शिफ्ट हो जाता है। टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ सिंपली प्रेस द एंटर की, सपोज आपने एक पैराग्राफ लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे आपका पैराग्राफ खत्म हुआ, लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको इसके आगे से शुरू नहीं करना, आपको इसके नीचे से शुरू करना है, तो आप क्या करेंगे, आप एंटर की को प्रेस करेंगे। You can insert a text on existing document. आप अपने जिस document में काम कर रहे हैं उसमें क्या insert कर सकते हैं, कोई भी text.
use the mouse to move the insertion portion to a specific place in your document. आप क्या कर सकते हैं, आप माउस की हेल्प से इंसर्शन पॉइंट को मूव कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ ला सकते हैं जहाँ पर भी आपको टाइप करना है. सिंपली क्लिक द लोकेशन इन द टेक्स्ट वेयर यू वॉन्ट टू इंसर्ट टेक्स्ट. जहाँ पर भी आप टेक्स्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए. किसकी हेल्प से, माउस की हेल्प से. नाउ स्टार्ट टाइपिंग द टेक्स्ट और टेक्स्ट को टाइप करते रहिए, स्टार्ट कर दीजिए. द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विच इज प्लेस्ड आफ्टर द कर्सर विल बी शिफ्टेड टू द राइट साइड एंड न्यू टेक्स्ट विल बी इंसर्टेड. सपोज आप लिखते लिखते यहाँ आ गए, ठीक है, यहाँ के बाद आपको इतने हिस्से में क्या करना है, कोई एक नया टेक्स्ट इंसर्ट करना है. आपने उसको यहाँ इंसर्ट किया, उसके बाद अपने आप कर्सर यहाँ आ जाएगा, आपको जो लिखना है आप लिखते रहिए, आप अपना वर्क कंटिन्यू रखिए. नाउ आई विल टेल यू हाउ टू सिलेक्ट टेक्स्ट इन वर्ड, कि वर्ड में हम टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट करते हैं. टू सिलेक्ट टेक्स्ट इन MS वर्ड फॉलो दीज स्टेप. कुछ स्टेप को फिर फॉलो करेंगे. प्लेस द कर्सर बिफोर द टेक्स्ट यू विश टू सिलेक्ट. अपने कर्सर को उस टेक्स्ट से पहले रखिए, बिफोर मतलब पहले, जहाँ से आपको टेक्स्ट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है. होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन, माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड कीजिए एंड ड्रैग द माउस ओवर द टेक्स्ट टू बी सिलेक्टेड. और यहाँ से लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए वहाँ तक ले जाइए जहाँ तक क्या करना है, आपको अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है. देखिए उसने यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट किया. देन रिलीज द माउस, आपने सिलेक्ट किया उसके बाद माउस के बटन को रिलीज कर दीजिए. अ हाइलाइटेड बॉक्स विल अपीयर ओवर द सिलेक्टेड टेक्स्ट. तो देखिए पूरे टेक्स्ट में से उसने इतना पार्ट सिलेक्ट किया और वो क्या हो गया, हाइलाइटेड हो गया, जिससे हमें पता चला कि हमने कितना पार्ट सिलेक्ट किया है. नाउ आई विल टेल यू हाउ टू डिलीट टेक्स्ट इन वर्ड. आपने वर्ड में टाइप किया लेकिन पूरा टाइप करने के बाद आपको पता चला कि कुछ लाइंस आपने गलत टाइप कर दी, तो अब आप सोच में पड़ गए अब क्या करें. तो क्या करना है, हमें उसे डिलीट करना है. तो चलिए फिर कुछ स्टेप को फॉलो करते हैं. सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वॉन्ट टू डिलीट. आपको जितने टेक्स्ट को डिलीट करना है उसे आप सिलेक्ट करिए. देखिए उसने यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट किया, कैसे पता चला, क्योंकि इतना पार्ट क्या हो गया, हाईलाइट हो गया. प्रेस द डिलीट और बैक स्पेस की. जब आपने सिलेक्ट कर लिया उसके बाद क्या करना है, आपको डिलीट या फिर बैक स्पेस की को प्रेस करना है. द सिलेक्टेड टेक्स्ट विल बी डिलीटेड. और देखिए जितना आपने सिलेक्ट किया था उतना पार्ट क्या हुआ, डिलीट हो गया. कोऑर्डिनेट के बाद हमें वेन से चाहिए था, देखिए कोऑर्डिनेट के बाद वेन से लिखा हुआ आया, बीच का पार्ट क्या हो गया, डिलीट हो गया. कितना इजी था, विद इन टू स्टेप. और दो स्टेप में क्या हुआ, जो पार्ट हमें डिलीट करना था वो इजीली डिलीट हो गया. नाउ वी विल लर्न हाउ टू चेंज द फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट. अब मैं आपको बताऊंगी कि जो हमने टाइप किया उसके फॉन्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं. टू चेंज द फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट फॉलो दीज स्टेप्स. सिलेक्ट द टेक्स्ट. सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है. क्लिक ऑन द डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट बॉक्स इन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ होम टैब. उसके बाद आप होम टैब में जाएंगे और किस पे क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ एक एरो बना हुआ है, किसका, फॉन्ट बॉक्स का. सिलेक्ट द डिज़ायर फॉन्ट. बहुत सारे खुल के आ जाएंगे फॉन्ट के नाम, आपको जो भी फॉन्ट चाहिए या जिस भी फॉन्ट में आपको टेक्स्ट चाहिए आप उसको सिलेक्ट करेंगे. नोटिस दैट द फॉन्ट ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट चेंजेस. और जैसे ही आपने क्लिक करा उस पर क्या होगा, जो आपने टेक्स्ट लिखा उसका फॉन्ट चेंज हो जाएगा, उसका स्टाइल चेंज हो जाएगा. तो बच्चों अभी हमने क्या सीखा, हमने टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज करना. अब मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हैं.
छोटे से लेके हम उसे बड़ा कैसे कर सकते हैं। सपोज मैंने छोटा सा लिखा ए, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, बड़ा चाहिए, तो कैसे करेंगे? ये थोड़ी ना कि मैं सारी चीज़ें लिखी हुई डिलीट करूंगी, नहीं, मैं स्मॉल चीज को लिखा हुआ बड़ा कर दूंगी। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सिलेक्ट द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट आपको साइज में चेंज करना है उसको आप सिलेक्ट करिए। क्लिक ऑन द डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट साइज बॉक्स इन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ होम टैब। होम टैब में क्या है, फॉन्ट साइज का एक बॉक्स है, उसमें नीचे की तरफ एक एरो जा रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। देखिए 8, 9, 10, 11, 12 सो एंड सो नंबर्स आ गए, मतलब वो बता रहा है कि छोटा, बड़ा, बड़ा, कितना बड़ा आपको चाहिए, कितने नंबर्स पे आपको चाहिए। सिलेक्ट द डिज़ायर फॉन्ट साइज, उसने सपोज 12 साइज पे करा, पहले उसका काम किस पर था, 9 साइज पर था, अब उसने 12 साइज को क्या किया, सिलेक्ट किया। द साइज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट विल बी चेंज, और देखिए एक ही मिनट में क्या हुआ कि फॉन्ट का साइज चेंज हो गया। ये वाला फॉन्ट देखिए कितना छोटा है और ये वाला क्या है, बड़ा है, तो हम अपने लिखे हुए टेक्स्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट के कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं। आपके सामने जो आपके टेक्स्ट लिखा हुआ, जो भी लिखा हुआ वो क्या है, टेक्स्ट है ना। देखिए कुछ ब्लैक कलर का है, कुछ पिंक कलर का है और कुछ रेड कलर का है, तो ये डिफरेंट कलर में कैसे आता है, उसके भी कुछ स्टेप हैं, चलिए फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमें अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, तो एक लाइन उसने सिलेक्ट कर ली। नाउ व्हाट टू डू, क्लिक ऑन द डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर्स के आगे एक डाउन एरो है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। ये कहाँ पर मिलेगा आपको, फॉन्ट ग्रुप में, किसके, होम टैब के, होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में मिलेगा। देन सिलेक्ट द डिज़ायर फॉन्ट कलर, उसके बाद आप अपनी पसंद का कलर चूज करेंगे, ब्लैक, येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू, बहुत सारे कलर होते हैं, जौन सा कलर आप चूज करेंगे आपका टेक्स्ट क्या होगा, उसी कलर का हो जाएगा। आप रेड कलर करेंगे तो जो भी आपने लिखा है वो सारा रेड हो जाएगा, ब्लू करेंगे ब्लू, ब्लैक करेंगे ब्लैक, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा कलर चूज कर रहे हैं। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू सेव डॉक्यूमेंट इन वर्ड, वर्ड में डॉक्यूमेंट को कैसे हम सेव कर सकते हैं, तो चलिए उसके भी स्टेप हैं। सबसे पहले हमें फाइल टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे तो एक बैक स्टेज व्यू खुलकर आ जाएगा, देखिए इस तरीके का। अब आपको सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये रहा सेव एज ऑप्शन, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन ब्राउज बटन, उसके बाद आपने ब्राउज के बटन पे क्लिक करा। सिलेक्ट द लोकेशन वेयर यू वॉन्ट टू सेव योर फाइल, उसके बाद आप उस लोकेशन को सिलेक्ट करिए कि आपको अपने डॉक्यूमेंट को डेस्कटॉप पर या सी ड्राइव, डी ड्राइव, कहाँ पर सेव करना है, वो लोकेशन आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। टाइप द फाइल नेम, उसके बाद अपने फाइल नेम टैप करिए। सपोज आपने कोई लेटर लिखा है तो उसको आप लेटर के नाम से करिए, आपने कोई पिक्चर बनाई है और लेटर भी लिखा है, या एस से लिखा है तो एक्स वाई जेड किसी भी नाम से आप उसको सेव कर सकते हैं। क्लिक ऑन द सेव बटन, उसके बाद आप किस पे क्लिक करेंगे, सेव बटन पर। चलिए अब मैं आपको एक हॉट टिप देती हूँ, यू कैन प्रेस द कंट्रोल प्लस एस की, आप क्या कंट्रोल प्लस एस की को प्रेस कर सकते हैं या फिर F12 की को, दोनों में से कोई सी भी कीज को आप प्रेस करिए टू सेव द फाइल इन वर्ड 2021। अगर आप इतने सारे स्टेप को फॉलो नहीं करना चाहते, कंट्रोल प्लस एस की को प्रेस कर सकते हैं या फिर F12 की को, और आपकी क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट MS Word 2021 में सेव हो जाए। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड, वर्ड में डॉक्यूमेंट को कैसे क्लोज किया जाता है। टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट फॉलो दीज स्टेप, कुछ स्टेप को हमें फॉलो करना है। क्लिक ऑन फाइल टैब, सबसे पहले किस पे क्लिक करना है,
फाइल टैब पर, द बैक स्टेज व्यू विल अपीयर। जैसे ही आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे तो बैक स्टेज व्यू खुलकर आ जाएगा। सिलेक्ट द क्लोज ऑप्शन, और आप इसमें क्या ऑप्शन को चूज करेंगे, क्लोज ऑप्शन को। योर वर्ड विल आस्क टू सेव चेंजेस इफ देयर आर चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट दैट यू हैव नॉट बीन सेव। तो इसके बाद आपसे वर्ड पूछेगा कि क्या आपने जो डॉक्यूमेंट में चेंजेस किए थे उनको सेव करना है। तो उसके बाद क्या होगा, वर्ड आपसे पूछेगा कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में जो चेंजेस किए थे क्या आप उनको सेव करना चाहोगे। चेंजेस कैसे, सपोज आपने कोई लेटर लिखा, ठीक है, आपने लेटर की हेडिंग लिखी माय फैमिली, लेकिन काम करते करते आपने क्या किया, माय फैमिली को आपने लिख दिया माय फेवरेट फैमिली, आपने माय फेवरेट फैमिली के नाम से कर दिया, लेकिन आपने क्या नहीं करा, उसको सेव नहीं करा था। लेकिन जब काम करने के बाद आप अपनी फाइल को क्लोज करेंगे तो वो आपसे पूछेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्लिक ऑन सेव। आप सेव ऑप्शन पे करेंगे तो आपकी फाइल नए नाम से सेव होगी। अगर आप चेंजेस नहीं करना चाहते तो आप डू नॉट सेव पर क्लिक करेंगे। नाउ अगेन आई विल गिव यू वन हॉट टिप, यू कैन प्रेस कंट्रोल प्लस W कीज टुगेदर टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड। आप कंट्रोल प्लस W की को एक साथ प्रेस करिए, क्या होगा, उससे आपका डॉक्यूमेंट वर्ड में क्लोज हो जाएगा। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इन वर्ड, कि हम वर्ड फाइल में कोई भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन कर सकते हैं। क्लिक ऑन फाइल टैब, सबसे पहले आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, एक बैक स्टेज व्यू खुलकर आ जाएगा। सिलेक्ट द ओपन ऑप्शन, आपने ओपन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन ब्राउज बटन, उसके बाद आप ब्राउज बटन, ये रहा ब्राउज बटन पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट द फाइल, और ब्राउज बटन पे क्लिक करते ही बहुत सी फाइलें ओपन हो जाएंगी और आपको जिस फाइल को ओपन करना है उसे आप सिलेक्ट करेंगे। देन क्लिक द ओपन बटन, और उसके बाद आप ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। इसके लिए भी मैं आपको एक हॉट टिप देती हूँ, यू कैन प्रेस द कंट्रोल प्लस ओ कीज टुगेदर टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इन वर्ड। ये सब क्या है, शॉर्ट कीज है। कंट्रोल प्लस ओ को अगर आप एक साथ प्रेस करेंगे तो आप अपनी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। नाउ टाइम टू डू वन एक्टिविटी, राइट द शॉर्टकट की फॉर द फॉलोइंग। अब आपको क्या करना है, आपको शॉर्टकट कीज बतानी है, किसकी, नंबर वन टू क्रिएट अ न्यू फाइल। न्यू फाइल को क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की क्या थी, कंट्रोल CTRL कंट्रोल प्लस N। नेक्स्ट टू ओपन अ फाइल, फाइल को ओपन करने की क्या थी, CTRL मतलब कंट्रोल प्लस O। नेक्स्ट टू यू विल डू बाय योरसेल्फ। नाउ आई विल टेल यू वन कंप्यूटर मैनर, डू नॉट ईट और ड्रिंक नियर द कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर के आसपास आपको खाना पीना नहीं चाहिए। नाउ लेट अस रिवाइंड, चलिए फटाफट अपना लेसन एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं। द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज यूज टू अप्लाई द बेसिक एडिटिंग एंड डिजाइनिंग एंड ऑल्सो इन मैन्युपुलेटिंग द टेक्स्ट टू योर पेजेस, वेयर द वर्ड प्रोसेसर इज अ डिवाइस डेट प्रोवाइड editing, input, formatting and output of the given text with some additional feature. Next, a ribbon holds several tabs on it such as file, home, insert, drawing, design, layout, references, mailing, review, view and help. आपने देखा ribbon क्या अपने अंदर hold करता है, बहुत सारे several tabs को। वर्क एरिया इज द एरिया वेयर यू कैन टाइप टेक्स्ट, इंसर्ट पिक्चर्स, टेबल्स एक्सेट्रा। वर्ड एरिया में हम टाइपिंग कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं क्या, कोई भी पिक्चर या फिर टेबल। नाउ माई डियर किड,
नेक्स्ट टू पॉइंट्स यू विल रीड बाय योरसेल्फ और आप इसको रीड करेंगे और जल्दी से समझेंगे। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने एमएस वर्ड 2021 के बारे में पढ़ा, तो चलिए आप कुछ एक्सरसाइज करके देखते हैं आपने कितना सीखा। सबसे पहली एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट ऑप्शन, मतलब सही ऑप्शन पे क्लिक करना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट प्रेजेंट बाय डिफॉल्ट ऑन क्विक एक्सेस टूल बार। आपको ये बताना है कि दिए हुए चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन क्विक एक्सेस टूल बार में नहीं होता। सेव, अंडो, रेडो और न्यू, तो न्यू ऑप्शन क्विक एक्सेस टूल बार में नहीं होता। नेक्स्ट, डैश इज द स्मॉल आइकन दैट अपीयर इन सम ग्रुप। इनमें से कौन सा आइकन है, स्मॉल आइकन है जो कुछ ग्रुप्स में अपीयर होता है। स्क्रॉल बार, रिबन, स्टेटस और डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, ऑप्शन डी। नाउ पार्ट 3 एंड पार्ट 4 यू विल डू बाय योरसेल्फ। नाउ एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश इज द एरिया यूज फॉर टाइपिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। वो कौन सा एरिया है जो यूज होता है किसके लिए, टाइपिंग, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग के लिए, किसकी, टेक्स्ट की। तो हमारा आंसर है वर्क एरिया, WORK, वर्क ARE एरिया। द नेक्स्ट, द डैश इज अ मेजरिंग टूल फॉर एडजस्टिंग इंडेंट एंड द वाइड ऑफ मार्जिन फॉर अ डॉक्यूमेंट। किस मेजरिंग टूल से हम अपने डॉक्यूमेंट के मार्जिन को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, वो है हमारा रूलर, RULER, रूलर। द नेक्स्ट, द डैश बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द वर्ड विंडो। वर्ड विंडो के बॉटम पर कौन सा बार होता है, वो होता है स्टेटस बार, STATUS, स्टेटस बार। द नेक्स्ट वन, द डैश रूलर इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो। डॉक्यूमेंट विंडो के लेफ्ट पर कौन सा रूलर होता है, वहां पर होता है वर्टिकल रूलर। नाउ एक्सरसाइज सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो सही स्टेटमेंट है उसके लिए आप टी लिखेंगे, जो गलत है उसके लिए आप एफ लिखेंगे। तो नंबर वन, द हॉरिजॉन्टल रूलर इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द विंडो। हॉरिजॉन्टल रूलर कहां पर होते हैं, विंडो के बॉटम पर होते हैं। नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। द वर्टिकल स्क्रॉल बार इज प्रेजेंट टू द राइट ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो। वर्टिकल स्क्रॉल बार राइट में होते हैं डॉक्यूमेंट विंडो के। नो, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। वो कहाँ पर होते हैं, लेफ्ट पर होते हैं। द इंसर्शन पॉइंट और कर्सर इज द ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन इन योर डॉक्यूमेंट। येस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। द फॉन्ट कलर ऑप्शन एग्जिस्ट इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब। फॉन्ट कलर ऑप्शन होम टैब में, फॉन्ट ग्रुप में होता है। बताइए ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। यस, यू आर राइट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो वी विल राइट टी फॉर इट। नाउ एक्सरसाइज डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे लास्ट में क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों आप एक बार फिर से अपने चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे and you have to give answers by yourself. So my dear kids, in this video we have learnt about, किसके बारे में पढ़ा हमने, MS Word 2021 के बारे में पढ़ा, MS Word के features के बारे में जाना और हमने बहुत कुछ सीखा, कैसे हम अपने document को save कर सकते हैं, close कर सकते हैं और हम क्या हो सकते हैं, MS Word की विंडो से कैसे एग्जिट हो सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।